हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकम टेक्निकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो आपको बताने वाली है कि आप एक ईयरफोन का यूज करके कैसे एक बहुत ही बेहतरीन माइक बना सकते हैं दोस्तों, जिसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बेसिकली दोस्तों हम ईयरफोन का यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये जो ईयरपॉड्स होते हैं तो इसकी वजह से दोस्तों बहुत सारी नॉइज आती है हमारे वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको काट पीट करके, अगर आपके पास कोई ख़राब है तो बहुत और अच्छी बात है, ठीक है। और तो इसे काट कर हम यहाँ पर एक माइक बना सकते हैं, कंडेंसर माइक होगा और जो नॉइज़ बहुत ही कम कैप्चर करेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी देगा, जो आपकी वॉइस की क्वालिटी होगी उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप एक ईयरफोन का यूज करके एक बहुत ही बेहतरीन माइक बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मेरे पास ईयरफोन है जो कि सही है, लेकिन हम इससे नहीं, ये एक मेरे पास ख़राब ईयरफोन पड़ी है, इससे हम माइक बनाकर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक कंडेंसर माइक लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और इसे आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर एक कंडेंसर माइक आपको सभी ईयरफोन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो इस कंडेंसर माइक को यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें वायर लगे हैं इसे मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि हम यहीं से सीधे सोल्डरिंग कर देंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे विथ वायर के यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये हमने कंडेंसर माइक निकाल लिया है। अब देखिए हमें कैसे क्या करना है वो सब यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर जो लाल तार है वो प्लस का है और जो यहाँ पर काला वायर है वो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक यहाँ पर जो पिन है 3.5 mm की ये निकाल ली है। तो अब इसमें हमें इसमें सोल्डरिंग करनी होगी। तो इसके लिए हम एक वायर लेते हैं, आपको ये ईयरफोन में ही मिल जाएगा। तो इस वायर को आपको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। इसे निकालने के बाद आपको करना क्या है कि इस वायर में जो आपको दिख रही है इसमें हमें चार वायर मिलते हैं, ठीक है। अंदर इसके चार तार मिलते हैं, तो आपको दो का यूज करना है। तो दो को काट देते हैं और अलग अलग तार के जो वायर हैं वो ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रख सकें कि कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस। तो यहाँ पर हमने एक रेड ले लिया है और यहाँ पर एक गोल्डन कलर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको सिंपली करना क्या है कि अब यहाँ पर हमें एक सोल्डरिंग आयरन लेना है और इसकी मदद से हम यहाँ पर सोल्डरिंग करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, इसके जो यहाँ पर जो लगा हुआ है इसका जो ढक्कन है इसमें हम छेद कर लेते हैं। तो इसका यूज हम कहाँ करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारा जो माइक है इसमें फंसा देंगे, ताकि हमें एक यहाँ पर बेस मिल जाए, ठीक है, इस माइक को लगाने के लिए। तो सबसे पहले इस तार को इसमें डाल लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम सोल्डरिंग करेंगे जो हमारा कंडेंसर माइक है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर सोल्डरिंग करने के लिए ये सोल्डरिंग आयरन लिया हमने और यहाँ पर हम सोल्डरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले तार में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डरिंग वायर लगा लेते हैं, ताकि जो आसानी से हम सोल्डरिंग कर सकें। तो इसका आप चिमटी की मदद से कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अब आपको करना क्या कि रेड तार इसके प्लस में लगा देना है, कंडेंसर माइक के प्लस में, ठीक है। तो इस तरह से रेड रेड कर देना है और जो हमारा नीला है वो काले वाले में कर देना है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर, हम तो यहाँ पर आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आपको चिमटी की मदद से पकड़ना है और बड़ी आसानी से इसमें आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों तारों में यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना जो प्लस का है वो आपको याद रखना है किस वायर में आपने प्लस का किया है और किस में माइनस का, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पर बड़ी आसानी से इसमें सोल्डरिंग कर दी है इसमें, ठीक है। अब सिंपली इसे हम जो इसका जो बैक है पेन का वो इसमें लगा देते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं अब हमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन्हें ज़्यादा बड़े हैं ये तार, तो इसे कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो हमारा जो जैक है 3.5 mm का, ठीक है, तो उसमें से लगाना है। सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डिंग वायर लगा लेते हैं, ताकि बड़ी आसानी से यहाँ पर हम इसे सोल्ड कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डरिंग वायर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसे सिंपल तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, बड़ी आसानी से हमने इसमें सोल्डरिंग वायर लगा दिया है, ठीक है।
तो अब सिंपल हमें करना क्या है कि जो हमारा जो जैक है वो इसमें यहाँ पर हमें लगाना होगा। तो आपको ध्यान देना है जो जो हमारी लास्ट की पिन होती है यानी कि सबसे पहले नंबर पे, तो उसमें हमें प्लस का दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो हमारा जैक होता है उसमें जो सबसे लास्ट का यानी कि सबसे पहले का, अगर पीछे से देखें तो सबसे लास्ट का, ठीक है, तो उसमें लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो आपको चिमटी की मदद से ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं, जो सबसे ऊपर है सबसे ऊपर का जो हमें इसे यहाँ पर टांगा दे देना है एक। और इसके बाद दोस्तों हमें नीचे नहीं आना है, सबसे बीच में आपको जो मिल जाता है, ठीक है, तीन मिलते हैं, तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाले में एक को प्लस को लगा दिया और जो बीच में मिलता है उसमें हमें माइनस को दे देना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले दो ही जो यहाँ पर लीड के जो जैक के जो लीड्स होते हैं यहाँ पर दो ही यहाँ पर वर्क करते हैं माइक के लिए, तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाले में और बीच वाले में आपको यहाँ पर टांके लगा देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिंपली हमने यहाँ पर बड़ी आसानी से इसे यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है वो यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि आपको टांके कैसे लगाने हैं। जो हमारे जो पैन का जो ढक्कन है उसको सिंपली ये इसमें डाल देते हैं सिंपल इस कंडेंसर माइक को। अब दोस्तों आपको सिंपली जो पीछे वाला है उसे भी बड़ी आसानी से आप टेप की मदद से चिपका सकते हैं, और इसमें आप कोई फोम का टुकड़ा हो या आपकी रुई हो गई, कॉटन हो गया, ठीक है, तो उसे यहाँ पर लगा देना है ताकि ये नॉइस ना यहाँ पर रिकोगनाइज कर सके, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास तो ये हमारा जो पुराना माइक था उसका जो कॉटन था वो हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल ही माइक की तरह लगने लगा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नंबर आता है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि एक टेप लेना है और उस टेप को यहाँ पर लगा देना। आपके पास MCL वगैरह हो तो वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, या कोई रबर का ऐसा आप पेन का भी आगे का जो हिस्सा है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने टेप का यूज किया है और टेप को बड़ी आसानी से इसमें लगा देते हैं आसानी से, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको सिंपली टेप का भी यूज कर सकते हैं या फिर MCL का भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो हम चलिए इसमें यहाँ पर टेप लगा देते हैं अभी आपको बताने के लिए, बाद में आप इसे और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पर देख सकते हैं एक टेप जो लगा दिया है, आप इसमें इलेक्ट्रिकल टेप भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पूरी तरह से हमारा दोनों हिस्से हमने यहाँ पर कर लिए हैं, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे ये, ठीक है। मेन चीज़ है आपको यहाँ पर कनेक्शन करना, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा माइक हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब इसकी जो है हमें टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए चलिए आपको दिखा देते हैं कि कैसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही माइक है जो हमने यहाँ पर अभी बनाया है। अब हम इसे एक दूसरे फोन में यहाँ पर इसे लगाने वाले हैं, तो चलिए इसका प्लग इन करते हैं यहाँ पर। तो हमने इसे प्लग इन कर दिया, ओके। इसे प्लग इन करने के बाद दोस्तों हमने कुछ यहाँ पर रिकॉर्डिंग को कर देते हैं स्टार्ट, और अब जो आपको वॉइस सुनाई देगी वो इस माइक की होगी, ठीक है। अभी मैंने कोई भी माइक नहीं लगा रखा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड पर क्लिक कर देते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकम टेक्निकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, और इस माइक की वॉइस क्वालिटी कैसी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी, और दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और इसके बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना है, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, तभी तो आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। धन्यवाद।